अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अतीक सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे कलेजी और गर्दने मुर्गी की। कलेजी और गर्दने कैसे बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगी। कलेजी मैंने ली थी और गर्दने ली थी, ठीक है। इनको मैंने फ्राई करके रख लिया, ठीक है, ओनली फ्राई किया मैंने, ठीक है। दो अदद टमाटर मैंने काट लिए हैं, 8 से 9 अदद हरी मिर्ची मैंने काट ली है, 5 अदद प्याज मैंने काट लिए हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ लिया, आधे से भी थोड़ा चम्मच मैंने लिया दादर की हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया काली मिर्ची पीसी हुई, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया, आधा चम्मच हल्दी ली, आधे से भी थोड़ी मैंने लाल मिर्ची ली, आधे चम्मच से भी थोड़ी, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। आइए आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे बनाना है और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी दोस्तों, ये वही ऑयल है जहाँ पे मैंने कलेजी को फ्राई किया था, ठीक है। और अब डालेंगे ज़ीरा, बिस्मिल्लाह, और बहुत ही टेस्टी इसी ऑयल में बनाऊंगा और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बनती है, ठीक है। जी दोस्तों, ज़ीरा हमारा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों, प्याज हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है, गोल्डन कलर आ रहा है। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और हरी मिर्ची डालूँगा, ठीक है। जी दोस्तों, लहसुन अदरक का पेस्ट जो अच्छे तरीके से भून लिया मैंने, अब डालेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाह, टमाटर को भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जी दोस्तों, अब डालेंगे नमक, बिस्मिल्लाह, नमक के बाद लाल मिर्ची, बिस्मिल्लाह, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, दादर मिर्ची, अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की। जी दोस्तों, मसाले की अच्छे से भुनाई कर दी है, अब डालेंगे गर्दने और कलेजी, ठीक है, अच्छे से भुनाई करूँगा, फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जी दोस्तों, अच्छे से भुनाई कर दी, अब डालेंगे आधा कप पानी, बिस्मिल्लाह, और हल्की आंच करके इसको दम पे रख दूंगा, ठीक है, 10 मिनट के लिए। जी दोस्तों, करी हमारी बन चुकी है माशाल्लाह। अभी इसका चूल्हा बंद करेंगे, ठीक है, और डिश आउट करने के टाइम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी कलेजी और गर्दन कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी लग रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़क में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़।